हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत करते हैं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ प्रेम भंग और डिप्रेशन। एक लड़का मेरे पास में आया था, उसकी एक केस स्टडी आपको बताता हूँ कि आजकल काफ़ी सारे लड़के लोग लड़कियाँ आते हैं और प्रेम भंग हो गया करके वो डिप्रेस हो जाते हैं। तो देखते हैं कि इसमें मतलब जिम्मेदार कौन है, गलती किसकी है, करना क्या चाहिए। तो हम इसको देखते हैं ताकि आप कहीं रिलेट कर सके, आपके लाइफ में आपके परिचित जो होंगे उनके साथ में आप रिलेट कर सकेंगे और उनको भी सलाह मशवरा कर सकेंगे या वीडियो उनको पास ऑन कर सकेंगे। तो आइए, फिर से आपका एक बार स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ दो हॉस्पिटल है जिसमें हम मेंटल पेशेंट, मनोरुग्ण तथा व्यसनी लोगों को रिश्तेदारों के साथ में भर्ती करते हैं और दूसरा हॉस्पिटल है जहाँ मनोरुग्ण और व्यसनी लोगों को बिना रिश्तेदार भर्ती करते हैं। एक लड़का मेरे पास में आया था, करीब करीब 23-24 साल का, इंजीनियर हो चुका, फाइनल ईयर में था। एक लड़की के साथ में उसका प्यार हो गया और अभी पिछले 2 महीने से 3 महीने से वो लड़की अभी उसके साथ में बातचीत करना टाल रही है, बातचीत करती नहीं है और उसको समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया। 2 साल तक साथ में थे, 2 साल तक एक ही क्लास में पढ़ते रहे थे, घूम रहे फिर रहे, डेटिंग कर रहे और एक दूसरे को ये भी बोल दिया कि भाई नहीं, शादी भी करेंगे। और हुआ क्या, अचानक हुआ क्या कि भाई वो लड़की अभी इसके साथ में बातचीत करना भी टाल रही है, फ़ोन लेती नहीं है, SMS करती नहीं है, WhatsApp करती नहीं है और ये बहुत बेचैन है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया। फिर उसको पता चला कि वो लड़की अभी आजकल एक और दूसरे लड़के के साथ में डेटिंग कर रही है और घूम रही है। और उसका मतलब जब उसको ये मालूम पड़ा कि ऐसा हो रहा है तब उसको एकदम उसका धक्का बैठ गया, एकदम बहुत ही उसको मतलब ऐसा ट्रॉमा हो गया कि भाई ये ऐसा हुआ ही कैसे, क्या मैंने ऐसे क्या किया, मेरी क्या गलती हो गई और ये लड़की अभी मुझे जो टाल के अभी एक नए दोस्त के साथ में मतलब उसके और दूसरे दोस्त के साथ में घूम रही है, फिर रही है, डेटिंग कर रही है, तो अभी मेरा क्या, ऐसा हुआ कैसा। और काफ़ी वो डिप्रेस हो गया, वो कैसे भी करके वो लड़की के साथ में बातचीत करना चाहता, बोलते एक बार तो बात करो, वो लड़की बात करने को तैयार नहीं है। फिर बहुत डिप्रेस है, बहुत निराश उदास है, बातचीत नहीं कर रहा, खाना नहीं खा रहा करके उसको उसके माँ बाप ने मेरे पास में वो लेके आए, उसको काउंसिलिंग करो, करना क्या अभी इसका। वो तो बोलता है कि बस वो लड़की के साथ में ही मुझे बातचीत करने, तो कम से कम एक बार पूछने तो दो कि भाई उसने मुझे छोड़ा क्यों। और वो लड़की बातचीत करने को तैयार नहीं है, फ़ोन लेने को तैयार नहीं है, मालूम कैसा होगा कि भाई हुआ क्या। फिर मैं जब उसको काउंसलिंग करने के लिए जब मतलब शुरुआत किया, बातचीत किया, 2-3 सेशंस सिटिंग उसके साथ में किए तो उसमें से वो काफ़ी रिलीव हो गया। मैं उसको पूछता रहा कि भाई देखो वो आपके साथ में बातचीत नहीं कर रही, वो और कोई किसी के प्यार में भी फंसी हुई है या पड़ी हुई है या प्यार कर रही है, जो भी है, अभी वो नए लड़के के साथ में डेटिंग कर रही है। इसका मतलब है आप सोचो कि ये वो लड़की का प्यार सचमुच आपके ऊपर था क्या, आपके साथ में था क्या, सच्ची वो लड़की प्यार कर रही थी क्या या प्यार का नाटक कर रही थी, या उसको आपसे अच्छा कोई लड़का और ज़्यादा मिल गया, या उसकी जो नीड्स थी, उसकी जो इच्छा आकांक्षाएं थी वो पूरी करने वाला दूसरा लड़का मिल गया। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि भाई वो लड़की ने आपको छोड़ दिया। तो आज हुआ वो बहुत अच्छा हुआ ना, क्योंकि आप आपके माँ बाप के खिलाफ भाग जाके शादी करने वाले थे, मतलब घर से भी आपकी दुश्मनी होती थी क्योंकि घर वाले तैयार नहीं थे। और बाद में शादी के बाद में वो लड़की यदि कोई लड़की के साथ में भाग जाती है, प्यार करती है और आपसे नफरत करना चालू करती है, या जो भी आज हुआ वो शादी के बाद में होता था तो जो हुआ वो अच्छे हुआ, प्रॉब्लम क्या है। इसका मतलब वो जो चालू था वो आपका एक अंधा प्यार था, आप अकेले उसके ऊपर प्यार कर रहे थे, अकेले मतलब वन साइडेड प्यार था, और वन साइडेड प्यार था, उसके तरफ से प्यार कितना था मालूम नहीं था, वो नाटक कर रही थी, सचमुच प्यार में थी, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ में वो डेटिंग कर रही थी, आपको मालूम नहीं, और भी कोई लड़के के साथ में डेटिंग करती होंगी, प्यार करती होंगी, मालूम ही नहीं। हो सकता है कि लड़कियाँ पैसे के लिए भी लोगों से प्यार करती है, क्योंकि बहुत खर्चे है आजकल बड़े हुए तो लड़के लोग खर्चे करते हैं, घुमाते फिराते तो उनके सारे खर्चे निकल जाते हैं, होटलिंग होता है, पिक्चर होता है, बाकी भी शौक तो सब पूरे होते हैं, इसलिए वो अलग अलग दोस्तों के साथ में घूमती फिरती है। तो आपके साथ में 2 साल वो मतलब डेटिंग कर रही थी या प्यार कर रही थी, पता नहीं कि उस समय भी और किसी के साथ में थी क्या,
आपको मालूम नहीं, अभी आज मालूम पड़ा, तो जो भी हुआ वो अच्छा ही हो गया, उसमें क्या प्रॉब्लम है। मगर उसको एक्चुअली जो प्रॉब्लम था वो था कि भाई उसने मुझे छोड़ के, मतलब उस मुझे छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया करके उसको प्रॉब्लम नहीं था, उसने नए लड़के के साथ में भी बातचीत चालू किया और प्यार चालू किया, वो ज़्यादा उसको जेलसी थी, मतलब वो ज़्यादा प्रॉब्लम था उसको। कोई नहीं, मुझे छोड़ के वो और कहीं चली गई, मतलब जेलसी थी, है ना, मत्सर था, द्वेष था, और उसके वजह से वो ज़्यादा परेशान हो गया था। कोई नहीं, मुझे नहीं मिला था और किसको नहीं मिलनी चाहिए, मतलब वो था उसका। जब सीटिंग हो गई और जब उसको उसका एहसास हुआ कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, ये शादी के बाद में ऐसा होता था तो कितना प्रॉब्लम रहता था। कोई नहीं, शादी के बाद में ये मालूम पड़ता कि अरे वो और किसी के साथ में है तो कितना प्रॉब्लम होता था। तो बहुत ही अच्छा है जब उसको ये सीटिंग हमने दिए, बातचीत की और उसको एक थेरेपी दिया, रैशनल इमोटिव थेरेपी जिसको बोलते हैं हम, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, आरई बीटी। और उसके साथ में जब काउंसिलिंग किया, उसको रिलैक्सेशन ट्रीटमेंट मैंने दिया, सम्मोहन उपचार बताया, तो धीरे 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 एक तीन सीटिंग में, चार सीटिंग में उसको बहुत फ़ायदा होना चालू हो गया, काफ़ी रिलैक्स हो गया। और उसको भी एहसास हुआ कि भाई नहीं भाई, अपने को जो भी हुआ वो अच्छे के लिए हो गया, आज मैं जो हूँ वो ठीक हूँ। अब ऐसा कुछ नहीं है कि अभी उससे बातचीत करके मैं ठीक होने वाला हूँ, क्योंकि बातचीत करके तो और वो ज़्यादा भड़कने वाली है आँख, तो बातचीत करना भी छोड़ दो, अभी जो हो गया वो ठीक है, अभी आप आपके तरफ से भी बंद कर डालो, ये चैप्टर बंद कर डालो। मतलब उसने जब उसका एहसास किया कि नहीं ठीक है, और उसमें से धीरे धीरे वो डिप्रेशन से बाहर आ गया, कोई दवा लेने की ज़रूरत पड़ी नहीं, मगर सिर्फ उसको नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने उसको कोई नींद की दवाई दिया। मैंने बोला ये हफ्ते भर के लिए दवा ले लो और बाद में आपको अच्छा लगेगा। और बाद में वो एक दो तीन हफ्ते के बाद में मेरे पास में आया, सिटी होने के बाद में, और बोला कि अभी मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। और मुझे भी मालूम पड़ा कि जब मैं उसके साथ में प्यार कर रहा था तब उसी समय ही वो और कोई लड़कों के साथ में घूम रही थी, फिर थी, मुझे मालूम नहीं था। तो जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो अभी मुझे ये संदेशा देना है कि जब आप कहीं किसी के साथ में प्यार करते हो, डेटिंग करते हो, शादी की मतलब ये करते हो कि भाई नहीं, मतलब प्रॉमिसेस करते हो, ये जो भी कुछ करते हो, खुली आँख से करना चाहिए। प्यार अंधा होता है, मालूम नहीं रहता कि हम प्यार में क्या कर रहे हैं। तो सभी जब लड़के या लड़कियाँ जो भी कुछ करेंगे तो वो खुली आँख से करना चाहिए, देखना चाहिए क्या मैं ये लड़के के साथ में या लड़की के साथ में ज़िंदगी में रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, संभव है ये करके, मतलब प्यार होना और बाद में शादी करना जरूरी है, अन्यथा बाद में पछताने की जरूरत पड़ेगी। आपके संपर्क में काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होंगे, जरूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा उनके साथ में, आपके फेसबुक के ग्रुप के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करो, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि ऐसी हालत हो गई तो उसमें क्या करना चाहिए करके। सो थैंक यू वेरी मच। आपको अच्छा लगा वीडियो तो जरूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और आप सब्सक्राइब करने के बाद में जो घंटी आती है ना उसको भी प्रेस करो, ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आपको इंटीमेशन उसकी आ जाएगी वीडियो की। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।